नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नए न्यूज। मध्य प्रदेश में एक महिला नेता यानी कि बीजेपी विधायक महिला नेता ने शिवराज सरकार पर आरोप लगा दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनके पति का एनकाउंटर करवाना चाहते हैं, उनके पति को सताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी कहती है महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, जो बीजेपी कहती है कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, कदम से कदम रखने के लिए जो आदमियाँ जो पति हैं उनके साथ कहीं ना कहीं महिलाएं कदम से कदम मिलाएं, और जिस तरीके से बातें सामने बड़ी बड़ी करती है बीजेपी। अब सवाल बीजेपी से ये है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बीजेपी महिला नेता से को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या खबर मुख्यमंत्री को नहीं है? क्योंकि ये वही देश है जिस पर कहीं ना कहीं पिछले दिनों महिलाओं के अत्याचार में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है देश को। अब वही देश है जिसको कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये विश्व का गुरु माना जाता था और सोनी की चिड़िया जैसे कई ऐसे नाम से बुलाया जाता है, और वहीं कहा जाता है कि जिस, और हमने पुराणों में और भगवद गीता और कई चीज़ों में पढ़ा होगा कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता भी कहीं ना कहीं उस ऐसी चीज़ को अछूता मानते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। लेकिन देवताओं की बात तो दूर है, यहाँ तो बीजेपी जो कहती है वो करने के लिए अब तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी की 21 राज्यों में सरकार है और मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, और उस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है कि अभी अगर बीजेपी नहीं जीती तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त झेलने को मिल जाए। कहते हैं कि चाहे विपक्षी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो कहती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को 2019 में नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी कहीं ना कहीं शिकस्त झेलनी पड़ सकती है अगर बीजेपी ने अपना रवैया नहीं बदला। मैं आपको बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश में जो रीवा ज़िले के सेमरिया निर्वाचन क्षेत्र से महिला विधायक नीलम अभय मिश्रा ने मंगलवार को यानी कि 26 जून को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे व अंतिम दिन अपने परिवार पर पुलिस जातिदी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सामने बैठकर करीब 40 मिनट तक विधानसभा में धरना दिया और इस दौरान वे खूब रोईं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री के कहने पर उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, और नीलम ने अपना धरना राज्य सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा कवर के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के साथ उचित व्यवहार का आश्वासन देने के बाद समाप्त किया। इस दौरान आपको बता दें कि उनके साथ आसंदी के सामने मुख्य विपक्षी दल एवं बसपा के 4 अन्य महिला विधायक भी बैठी रहे। मतलब कि महिला विधायक के साथ अगर दूसरे विपक्ष पार्टी फायदा उठाना चाहती है तो समझ जाना चाहिए बीजेपी को कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और अगर अभी भी बीजेपी नहीं चेती तो फिर क्या विधानसभा चुनाव के बाद इस तरीके की चीज़ें जो देखने को मिलेगी कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की कवायदें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को वहां नहीं लाया जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरा अब बहुत पुराना हो गया है। वहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से यानी कि मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। किसानों का जो मुद्दा है, चाहे व्यापम घोटाले का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा जो है मंदसौर में जिस तरीके से किसानों की हत्या हुई, और जब अब किसान आंदोलन करना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी उसमें विपक्ष के तौर पर फायदा उठाना चाहते हैं तो बीजेपी साफ तौर पर रोक लगा देती है कि अगर आप राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब
शून्यकाल के दौरान नीलम अपनी सीट पर खड़ी हुई और कहा कि उनके परिवार के सदस्यों पर रीवा जिले की पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इससे सरकार दुविधा में आ गई। उन्होंने अपने एक और अपने परिजनों के लिए सरकार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के पावरफुल नेताओं के कहने पर रीवा के पुलिस अधीक्षक मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। नीलम ने कहा है कि वे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक नीलम को विपक्षी दल कांग्रेस को पूरा समर्थन मिला है। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहती है। अगर कोई भी बीजेपी का विधायक अलग होता है, यानी कि कांग्रेस उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएगी कि अपने खेमे में उस विधायक को कर सकती है और पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकती है। सवाल यह है कि बीजेपी जिस तरह रणनीति से अपने मैदान में उतरती है, क्या उनको इन छोटी छोटी कमियों को नहीं देखा जा रहा है? अगर किसी महिला पे उसके परिवार पर अत्याचार, अगर बीजेपी की महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की बात क्या करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा दे सकती है सरकार? बीजेपी नेता पर, महिला नेता पर जिस तरीके से अत्याचार, उसके पति पर जिस तरीके के झूठे आरोप, उसके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता है वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत सहम जाती है। ये देश की सुरक्षा है, ये देश की जनता की सुरक्षा है, जिस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, हालांकि आश्वासन देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सरकार बड़ी सी बड़ी दुर्घटना में सिर्फ दो शब्द भी बोलना नहीं आता है, सिर्फ आश्वासन, और उसके जरिए सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। अब कांग्रेस सदस्यों के जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर के डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि कोई विधायक बगावत करके उनकी पार्टी में आ जाए, और पूरी तरीके से कांग्रेस लगी हुई है कि बीजेपी की किस तरीके से छवि ख़राब करनी है, और छवि ख़राब करके जो देखा ये जाता है कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी ने जो अपनी सेना, अपने सेनापति उतारे हैं मध्य प्रदेश में, वो गुल क्या खिलाएंगे ये तो दिख रहा है धीरे धीरे, कि किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से आरोप के जरिए वो मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी अपने जो चाल है, अपनी जो उसकी एक पावरफुल रणनीति है, अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं उनके जरिए, तो देखने को ये मिलेगा कि मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह सरकार ना आए, लेकिन केंद्र में को लेकर के अगर 2019 की बात की जाए, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस अब पूरी तरीके से अपना राज्य स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार फिर से आएगी? क्योंकि बीजेपी इस चीज़ को भी मानती है कि शिवराज सिंह चौहान की जो छवि पहले थी, हालांकि 15 वर्षों से जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, एक के बाद एक जीते चले आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामा के तौर पे भी जाने जाते हैं, हर कोई उनको मामा कह के बुलाता है। विदिशा उनका कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र, सॉरी उनका कहीं ना कहीं जो कर्मभूमि ना कह करके हम ये भी कह सकते हैं कि उनका जन्मभूमि विदिशा बताई जा रही है, और चुनाव का जो क्षेत्र है वो भी बताया जाता है। तो विदिशा भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहते हैं कि ग्रामीण जो इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान की छवि बनी हुई है। लेकिन इस महिला नेता ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, इससे मध्य प्रदेश के अंदर एक छवि निकल कर आएगी कि शिवराज सिंह चौहान जब महिला नेता उनके सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो आम जनता और आम जो महिलाएं हैं, और जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है जिस तरीके से, तो वो कहाँ गई बीजेपी की रणनीति, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बोल बचन उनकी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, सुषमा स्वराज हो, कई जो महिला नेताएं हैं, वो अगर किसी और पार्टी में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो तुरंत वो आड़े हाथों ले लेती हैं उस पार्टी को, लेकिन अपने ही पार्टी में इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता है?
ये देखना भी चाहिए। लेकिन इस महिला की वजह से शिवराज सिंह चौहान के लिए दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।